नमस्ते गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यानी चश्मा बाबा। और आज का एपिसोड आपको पूरा देखना है गाइस, क्योंकि ये एपिसोड होने वाला है प्रोग्रेसिव लेंसेज के बारे में। इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा प्रोग्रेसिव लेंसेज आपके लिए बेटर है, डिजिटल या नॉन डिजिटल, और क्या होता है इन दोनों में अंतर, और किस तरह से आपको अपना प्रोडक्ट चूज करना है। तो एपिसोड अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल पे आई ग्लासेस, आई केयर, आई वी एस से जुड़े सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे, प्लस सभी तरह के प्रोडक्ट्स की जानकारी आई वी एस इंडस्ट्री की आपको हमारे चैनल से मिलेगी। सो गाइस, आज जो प्रोडक्ट हम दिखाने वाले हैं ये मेरे ही क्लाइंट को मैंने दिया था, मिस्टर ए एन तिवारी को। तो ये ऑर्डर है हमारे पास बिहार से ए एन तिवारी जी का। तो ये है गाइस, ये प्रोडक्ट आप देख लीजिए पहले। दिस इज ऑटोक्रोमिक एंटी रिफ्लेक्शन डिजिटल प्रोग्रेसिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है गाइस, नॉन डिजिटल जब हम प्रोग्रेसिव लेंसेज पहनते हैं इसमें भी मल्टीपल फोकल पॉइंट बनाए हुए रहते हैं, डिस्टेंस के लिए एक, इंटरमीडिएट के लिए एक, और नजदीक का पढ़ने के लिए। लेकिन अक्सर अगर आप प्रोग्रेसिव लेंसेज पहनते हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने पहले ही चैनल पर दिया है, तो आप देखेंगे जो साइड का जो एरिया होता है ना गाइस, इस साइड का एरिया, यहाँ पे विजन थोड़ा ब्लर किया हुआ रहता है। तो लाइक जनरली इन टर्म्स की मैं ये ग्लासेस को मैं ऐसे डालूँ तो ऐसे हम टेढ़ा होकर नहीं देखते, तिरछा नहीं देखते जनरली। अगर हमारा हेड ही पूरा मूव होता है तो प्रोग्रेसिव का ये जो कंसेप्ट है, ये इसी तरह से इसका डिजाइनिंग होता है कि जब भी आप ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को देखें तो आपका सर पूरा मूव हो। तो साइड पे जनरली ना इनिशियली प्रोग्रेसिव लेंसेस लॉन्च किया गया था तो इसको ब्लर ही रखा गया। तो कई लोग इससे दिक्कत भी होने लगा कि नहीं, साइड का जो ब्लर विजन वाला एरिया है इसको थोड़ा सा क्या इंक्रीज कर सके हम, थोड़ा सा और प्रिसीशन ला सके इस पर, कि ये साइड वाला जो विजन एरिया जहाँ पे ऐसे मैं तिरछा देख रहा हूँ तो थोड़ा ब्लरी नजर आ रहा है, इसको क्या रिड्यूस किया जा सकता है। तो इंटरमीडिएट का ये जो विजन जोन है इसको थोड़ा ब्रॉड करने के लिए आया है कंसेप्ट डिजिटल प्रोग्रेसिव। सो गाइस, यहाँ पे समझने लायक बात ये कि क्या सभी के लिए डिजिटल प्रोग्रेसिव, हाँ आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मसला होता है बजट का, कि अगर आप रेगुलर कॉरिडोर से जो नॉर्मल प्रोग्रेसिव लेंसेज है उससे आप अगर डिजिटल में जाएं तो ऑब्वियसली प्राइस का डिफरेंस बढ़ जाता है 40-50% तक भी किसी किसी ब्रांड्स में आपका जो प्राइसिंग है वो इंक्रीज हो जाता है, वो बढ़ जाता है। तो हाँ, अगर आपको सिर्फ गाइस डिस्टेंस पे कोई पावर नहीं है, सिर्फ नज़दीक का पढ़ने के लिए आपको पावर चाहिए और इंटरमीडिएट देखने के लिए पावर चाहिए, सिर्फ आपको लाइक नज़दीक का ही काम करना है, डिस्टेंस में आपका ज़्यादा कुछ खास ऐसा पावर नहीं है, तो डिजिटल प्रोग्रेसिव आप नहीं लेंगे तो चलेगा। क्योंकि अगर रेगुलर प्रोग्रेसिव भी आप लेते हैं, नॉर्मल प्रोग्रेसिव भी लेते हैं, मार्किंग और फिटिंग वगैरह आपका सही से किया गया है तो उस पर कोई ज़्यादा गाइस मसला होता नहीं है, और वो एडजस्ट भी आपको हो जाता है। और उस पर आपको क्योंकि नज़दीक का ही सिर्फ देखने का काम है तो इंटरमीडिएट का भी ज़्यादा आपको मसला होगा नहीं, और मार्किंग वगैरह सही से है तो उससे भी काम चल जाएगा। लेकिन RX प्रेस्क्रिप्शन में जहाँ पे सपोज कीजिएगा इस आपका डिस्टेंस में पावर लगा हुआ सिलेंड्रिकल कुछ और नज़दीक का भी है और बहुत ज़्यादा ही आपको लाइक काम करना पड़ता है, एक साथ आपको डिस्टेंस में भी देखना पड़ता है कि ड्राइविंग वर्क हो गया या टाइपर्स का जो काम होता है, बैंकर्स का जो काम होता है, इन दैट केस उनको डिस्टेंस में भी बहुत फ्रिक्वेंटली देखना पड़ता है, नज़दीक का भी देखना पड़ता है, तो उनके लिए ज़्यादा ये कंसेप्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि डिजिटल प्रोग्रेसिव बोले और डिजिटल प्रोग्रेसिव पहने। तो यही है, तो ये जो प्रोडक्ट है गाइस, ये मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रोग्रेसिव लेंसेज जब भी लिए बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, ये जो फ्रेम मैंने उनको दिया है ये सेल्युलेस एसीटेट का है, प्योर सेल्युलेस एसीटेट। तो ये जो मटेरियल होता है गाइस ये एंटी एलर्जिक होता है, इट्स नॉट ऑर्डिनरी प्लास्टिक, तो ये सबसे प्रीमियम एक फ्रेम की कैटेगरी में आता है। ये जो फ्रेम मटेरियल मैं बात कर रहा हूँ, एसीटेट मटेरियल, ठीक है, सेल्युलेस एसीटेट मटेरियल, जितना भी टॉप ब्रांड्स हैं या अच्छा क्वालिटी है स्पेक्टेकल से जो 3-4 साल लास्टिंग करे, तो उनको हमेशा ये सेल्युलेस एसीटेट मटेरियल से ही बनाया जाता है। और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ प्रोग्रेसिव लेंसेज जब भी आप लें तो ऐसा ही कुछ मटेरियल आप चूज़ करें, क्योंकि पैटर्न से आप बहुत ज़्यादा नहीं खेल सकते, क्योंकि एक बार आप यूज टू हो जाए, जैसे ये पैटर्न मैंने उनको दिया है,
सो एक बार वो एक पैटर्न पे कंफर्टेबल हो जाए कि इसका एक विजन जोन एरिया होगा, ठीक है, डिस्टेंस के लिए, इंटरमीडिएट के लिए, नजदीक के लिए. सो वंस द कस्टमर और द यूजर विल बी अकस्टम, अगर वो अकस्टम हो जाते हैं इस पर्टिकुलर फ्रेम पैटर्न के साथ, और वो डिजिटल ले या नॉन डिजिटल ले, सो उनको ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने का जगह नहीं होता, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वो जब पावर चेंज होगा फिर प्रोग्रेसिव बनाएंगे तो जल्दी एडजस्ट होगा. तो सेलुलर एसिटेट फ्रेम आप लीजिए, बहुत अच्छा मटेरियल होता है फ्रेम का, किसी को किसी भी ब्रांड का लीजिए आप. और इसका सबसे एडवांटेज ये होता है गाइस, 3-4 साल ये लास्टिंग करता है, राइट. और जैसे मैंने कहा कि डिजिटल आप ले या नॉन डिजिटल ले, बेस्ड ऑन योर वर्क. अगर हाँ, अगर आपका कॉम्प्लेक्स पावर है तो आप डिजिटल प्रोग्रेसिव में जाएँ, जैसे डिस्टेंस में सिलेंड्रिकल है विथ स्फेरिकल, और नज़दीक का भी आपका एडिशन है, और बहुत ज़्यादा ही आपको डिस्टेंस में भी काम करना पड़ता है बहुत जल्दी जल्दी, और नज़दीक का भी चीज़ें देखना पड़ता है, तो आप देख लीजिए. बजट पर अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली आप यू शुड गो फॉर दिस नॉन डिजिटल वंस, इससे आपको सस्ता भी प्रोडक्ट मिलेगा. बहुत लोग मांगते हैं कि सर थोड़ा बजट में बताइए कुछ, सो यही है, यही चीज़ जानकारी आपको देना था. तो प्रोडक्ट का मैं पूरा बता देता हूँ. देखिए ये है क्लैरिटी, आप देख ही सकते हैं, ये यश लेंसेज की तरफ से मैंने उनको दिया है. उनको डिजिटली थोड़ा वाइड लेंसेज चाहिए था. ये देखिए कस्टमर का नाम भी प्रिंटेड है, बकायदा पावर मेंशन किया हुआ है इस पर, ठीक है. और यहाँ पे आपका यश लेंसेज का जो है लस्ट्रा का ब्रांडिंग होगा, ऑथेंटिसिटी कार्ड, साथ ही माइक्रोफाइबर क्लॉथ बहुत सॉफ्ट वाला. तो ये मैंने कस्टमर को दिया. तो आप भी पैन इंडिया वाइज मुझसे ऑर्डर कर सकते हैं. और ऑर्डर करना है तो व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, नीचे भी फ्लैश हो रहा है. तो आप डेफिनेटली मुझसे ऑर्डर कर सकते हैं आपको ऑथेंटिक जेन्युइन प्रोडक्ट. अगर आपको लगता है आपके स्टेट पे अवेलेबल नहीं है, या आपको इशू लग रहा है कि आपको कैसा प्रोडक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, सो आप यू कैन डेफिनेटली ऑर्डर ओनली लेंसेज, ठीक है, कि मेरे पास सर फ्रेम है, मैं लेंसेज आपसे मंगवा लेता हूँ, वहाँ से फिट करवा देता हूँ, दैट कैन बी डन. या ये कंप्लीट सेट, यहाँ पे फ्रेम भी मैंने उनको सिलेक्ट करके दिया था सेलुलर एसिटेट का जो मैंने बताया, और लेंसेज भी यहाँ से प्रॉपरली कंप्लीट स्पेक्टाकल तैयार होकर जा रहे हैं. कोई भी प्रोडक्ट गाइस मेरे पास अवेलेबल है, फिर ब्रांड है इमेज का, देखिए सनग्लासेस वगैरह भी मैं दिखा देता हूँ हर चीज़. ये मेरा ब्रांच 2 है गाइस. सो पिछला एपिसोड अगर आपने देखा था तो इसका इनोवेशन कम्प्लीट हो गया, थोड़ा बहुत सेटअप का काम बाकी है, मैं आपको घुमा के दिखा देता हूँ, या मिरर्स वगैरह लगने का, ठीक है, और डॉक्टर्स चैम्बर्स वगैरह रेडी होगा. सो दिस इज़ द स्टोर ओवरव्यू. और ये सारा सनग्लासेस विद पावर और जो भी ऑप्टिकल इंडस्ट्री के अपने प्रोडक्ट आपको चाहिए, आप मुझसे ऑर्डर कर सकते हैं डायरेक्टली थ्रू व्हाट्सएप. आप व्हाट्सएप पे चेक कीजिए, आपको व्हाट्सएप स्टोर मिल जाएगा, वहाँ पे फ्रेम सैम्पल्स वगैरह सारा मैं दे देता हूँ, और कैटलॉग भी दिया हुआ है, सो यू कैन चेक इट आउट, राइट गाइस. सो यही था, उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया. अगर पसंद है तो शेयर कीजिएगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए. आई केयर का पूरा ट्यूटोरियल हमारे चैनल पे मिलता है, पावर लेंसेज और या आईवीआर इंडस्ट्री से कोई भी टॉपिक आपको चाहिए या आपको जानना है इसके बारे में, तो ये चैनल इज द चैनल फॉर यू. सो डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड मोटिवेट मी. मिलते हैं एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आईवीआर इंडस्ट्री के ऊपर अगले वीक. टिल देन ज्ञान चश्मा भी साइन ऑफ. Bye guys.